वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी सिखाने वाले हैं जो शायद ही पहले आपने कभी खाई होगी, और वो है कच्चे पपीते के स्टफ पराठे। इसकी रेसिपी जाने इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम एक कच्चा पपीता लेंगे और इसे छीलकर साफ़ कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे और हमें इसे ग्रेट कर लेना है, और इसके बाद हमें इसे एक कप लेना है और अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब आटे के लिए हम एक कप गेहूं का आटा लेंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इसके बाद हम इसमें एक टीस्पून जितना जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें एक टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे ताकि पराठे क्रिस्पी बने, और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालते जाएंगे और पराठे का आटा गूंद लेंगे। हमें सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालते जाएंगे और पराठे का आटा हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। और हम जितना ज़्यादा मस लेंगे आटा, उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखिए, इस तरह से हम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक टीस्पून जितना तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मसल लेंगे, और इसके बाद हम इसे साइड पर रख देंगे। अब स्टफिंग के लिए हम एक टीस्पून सोया सॉस लेंगे और एक टीस्पून मिक्स हर्ब लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज प्याज लेंगे, एक टेबलस्पून लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट लेंगे और एक टेबलस्पून सींग लेंगे। अब सबसे पहले हम सींग लेंगे और इसे मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना देंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसमें हाफ कप हरा धनिया लेंगे। हम एक नॉनस्टिक पैन में एक टेबलस्पून जितना तेल लेंगे और इसे हम गर्म करेंगे। तेल गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे, और जीरा अच्छी तरीके से फूट जाए इसके बाद हम इसमें एक चुटकी जितनी हींग डालेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर कर 2 मिनट तक स्लो गैस पर सौते करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर कर इसे भी 2 मिनट तक सौते करेंगे। अब हम इसमें प्याज के हिस्से का नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ग्रेटेड कच्चा पपीता डालेंगे और इसे भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसे भी हम 2 मिनट तक सौते करेंगे। अब हम इसमें बाकी का नमक डालेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। नमक मिक्स होने के बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, और सोया सॉस को भी हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। सोया सॉस के बाद हम इसमें एक टीस्पून जितना रेड चिली सॉस डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए, ये सब अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब लास्ट में हम इसमें जो सिंक का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे, साथ साथ मिक्स हर्ब भी डाल देंगे, और लास्ट में हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब एक टीस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे और फिर से इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और अब हम गैस ऑफ कर कर
इस स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा करेंगे और तब तक हम पराठे बेल लेंगे। हमें इससे मीडियम साइज़ का पराठा बेल लेना है। देखिए हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसमें 2 से 3 टीस्पून जितना स्टफिंग भरेंगे। और अब हम इसे इस तरीके से सील कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे सील कर देना है। और हमें इसे एक बार फिर से बेल देना है और हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है और इसे भी हमें मीडियम साइज़ का ही बेलना है। और अब हम इसे एक नॉनस्टिक तवे पर डाल देंगे और मीडियम गैस पर एक साइड से पकने देंगे। एक साइड से पक जाए इसके बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। देखिए और अब हम दूसरी साइड पर 1 टेबलस्पून जितना तेल लगाएंगे और इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे और हम इसे बारी बारी दोनों तरफ पलटकर अच्छी तरीके से पका देंगे। हमें पराठे को लाइट गोल्डन ब्राउन हो तब तक पकाना है और इसी तरीके से हमें सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। तो तैयार है हमारे स्टफ कच्चे पपीते के पराठे। इसे हम टोमेटो केचप और ग्रेटेड कच्चे पपीते के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।